हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख चुके होंगे कि जैसा कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, बट सॉरी बहुत देर हो चुकी है, मैं आपको बहुत देर से अपडेट नहीं दे पाया। रीज़न ये था क्योंकि किसी भी अपन नई जगह जाते हैं तो एक तो सर्वाइव करने में टाइम लगता है, साथ ही साथ मेरे पास यहाँ पर कोई अरेंजमेंट नहीं थी कि मैं मतलब माइक वगैरह कुछ भी नहीं था जिससे मैं आपको अपडेट दे पाता। बट अब सब कुछ मेंटेन हो चुका हूँ, मतलब सब कुछ अरेंजमेंट हो चुकी है, तो अब आपको टाइम टू टाइम हर सारी वीडियो मिलती रहेंगी। जिस मोटिव से इस चैनल को क्रिएट किया था वो उससे रिलेटेड सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो बात करते हैं कि मेरी ज्वाइनिंग कब हुई और कहाँ हुई। तो फ्रेंड्स, जो ज्वाइनिंग का ऑर्डर है वो तो जो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से 7 तारीख को हम लोगों को डिस्पैच कर दिया गया था। और फ्रेंड्स, आपको पता हो 8 तारीख को हमारे यहाँ आचार संहिता लग चुकी थी क्योंकि इलेक्शन थे। तो फ्रेंड्स, यदि बात करें कॉल लेटर की, तो हम में से जो टोटल 608 वैकेंसी थी, किसी भी कैंडिडेट को कॉल लेटर नहीं आया। हर किसी को हाँ डिपार्टमेंट की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि आपको 1 महीने के अंदर अंदर रिपोर्टिंग करनी है, तो हर किसी को अपनी अपनी डिवीज़न में जाना था, रिपोर्टिंग करनी थी और ज्वाइनिंग करनी थी। तो फ्रेंड्स, बात करें मेरी ज्वाइनिंग कब हुई, तो मैं 12 तारीख को अपने घर से निकल गया था अपनी डिवीज़न में, वहाँ पर मैंने ज्वाइनिंग किया। ज्वाइनिंग हुई कहाँ, तो जैसे कि फ्रेंड्स, इंडियन रेलवे को टोटल 18 जोन में डिवाइड किया गया है और उन 18 जोन को 70 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। जैसे कि NCR, आप गए होंगे तो जो रेलवे स्टेशन होते हैं उन पे लिखा होता है NCR, मीन्स नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, WR, वेस्टर्न रेलवे। जैसे वेस्टर्न रेलवे एक जोन है, उसमें रतलाम एक डिवीज़न है जहाँ से मैंने अप्रेंटिसशिप की थी। तो फ्रेंड, ऐसे ही UPPCL, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, उसको भी डिस्कॉम्स में डिवाइड किया गया है। जैसे DVVNL, PVVNL, MVVNL, DVVNL मीन्स दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, PVVNL मीन्स पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। तो जो मेरी ज्वाइनिंग है, मेरी पोस्टिंग है, वो DVVNL डिस्कॉम में हुई है। अब इन डिस्कॉम को भी जोन में डिवाइड किया गया है, तो मेरी जो पोस्टिंग है वो कानपुर जोन के अंदर झिंझक डिवीज़न में हुई है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं तो जो अचीव कर चुका हूँ, बट अब आपकी भी वारी है, आपको भी अचीव करना है। क्योंकि जो लो या मिडिल क्लास फैमिली के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पास कोई फैमिली बिजनेस भी नहीं होता है, कोई इतनी बड़ी फंडिंग भी नहीं होती कि वो खुद अपने आप से कोई बिजनेस क्रिएट कर सकें। तो हम लोगों के पास अल्टीमेटली एक ही ऑप्शन होता है, वो होता है कोई भी जॉब, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट। तो फ्रेंड, मैं तो अचीव कर चुका हूँ, बट अब आपकी वारी है। तो इस चैनल के थ्रू मैं आपको जॉब से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, आपको करियर से रिलेटेड, आपको भी अपनी प्रोग्रेस करना है अपने करियर को लेकर के। क्योंकि यदि बोला जाए ना, यदि करियर नहीं है तो कुछ नहीं है, सबसे बड़ी बात। तो फ्रेंड्स, आपको भी अब कंटिन्यू करना है, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूँ जिस दौर से आप अभी गुजर रहे हो, और उस दौर से गुजरने के बाद मैं यहाँ पर आ पाया हूँ। तो मैं पूरा प्रयास करूँगा, अपना ट्राई माई बेस्ट दूंगा कि आपको भी इस चैनल के थ्रू मैं ऐसी ऐसी वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ जिससे आप भी अपने लाइफ में अपने करियर को बना सकें। साथ ही साथ एक ही जगह आपको फोकस करना है, ऐसा नहीं कि अलग अलग जगह फोकस करना है, किसी एक फील्ड को चूज़ करिए, उसी फील्ड में बस अपना पूरा 100% दे दीजिए। जैसे मैं हूँ मैंने टेक्निकल फील्ड में ही पूरा 100% दिया था। मेरा एक साथ दो दो जगह फाइनल रिजल्ट हो गया था। हाँ, मेरा एक UPPCL, UPRVNL, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन और एक जनरेशन, दोनों की वैकेंसी एक साथ आई थी, बट मेरा RVNL में फाइनल नहीं हो पाया था। मैं लगभग 3 या 4 अंकों से वहाँ पे पीछे हो गया था, कट ऑफ लगभग 136 या 35 थी, और मेरा जो बन रहा था रॉ मार्क्स वो 131 बन रहा था। तो मेरा वहाँ पे तो फाइनल नहीं हो पाया था, बट मेरा UPPCL टेक्नीशियन की पोस्ट के साथ साथ मेरा NCRTC, जो DMRC के जस्ट पैरेलल में एक और एक कॉरपोरेशन बनी है, जो DMRC के जैसे ही एक कॉरपोरेशन बनी है। क्योंकि DMRC की जो मेट्रो ट्रेन है वो ओनली दिल्ली में चलती है, लेकिन अब जो NCRTC है उसकी मेट्रो ट्रेन भी चलेंगी, वो दिल्ली NCR के रीजन में चलेंगी। जो फर्स्ट जो उसकी मेट्रो ट्रेन स्टार्ट होने वाली है वो दिल्ली टू मेरठ स्टार्ट होने वाली है। तो उसमें भी मेरा फाइनल रिजल्ट हो गया था, वहाँ पर मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन भी हो गया था, मेडिकल भी हो गया था। तो इसमें मैं मेडिकल भी मैं पूरा हो चुका था, जो टेक्नीशियन की पोस्ट पर होता है। तो इसमें मैं आपको एक और अलग से वीडियो बना दूंगा, जो टेक्नीशियन की पोस्ट पे जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, जो मेडिकल होता है वो कैसे होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो प्रिपरेशन के टाइम पे काफ़ी परेशान होते हैं कि मैं फाइनल तो कर लूँगा, क्योंकि सिलेक्शन लेना आपकी पढ़ाई और मेहनत पर डिपेंड करता है, लेकिन मेडिकल आपकी फिजिकल बॉडी
और आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, मींस आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, क्या आप, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो चश्मा लगाते हैं तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मैं फाइनल तो मतलब मैं सिलेक्शन तो ले लूँगा बट मेडिकल क्वालिफाई कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो उससे रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो सेपरेट बना के दे दूँगा क्या क्या आपको मेडिकल के टाइम पर ध्यान रखना है। मेरे साथ कई फ्रेंड ऐसे हैं जिनका मेडिकल चार चार घंटे डिले हो गया था, लेट हो गया था, साथ ही साथ कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको दूसरे दिन भी बुला लिया गया था उनकी छोटी सी माइनर मिस्टेक को लेकर के। तो कभी भी यदि टेक्नीशियन की पोस्ट का मेडिकल होता है या फिर ग्रुप सी या फिर ग्रुप सी के लेवल की किसी भी जॉब का मेडिकल होता है तो उसमें आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है उससे भी रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा। साथ ही साथ जो भी मेरे ट्यूशन और कोचिंग्स के स्टूडेंट हैं उनसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा सही से पढ़ाई करना, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट थे वो यही बोलते थे मेरे को डीएम बनना है, आईएएस बनना है। जो छोटे होते थे वो डीएम बोलते थे और जो बड़े थे वो आईएएस। बट उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा और एक टाइप से ओनली रटना नहीं है, आपको हर चीज़ को एक प्रैक्टिकल तरीके से समझना है, उसको हमेशा के लिए दिमाग में रखना है। तो आपको भी अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है, मेहनत करना है, क्योंकि मैंने सभी बच्चों को कंटिन्यू नहीं कर पाया था। अब इमरजेंसी में ये पूरा मतलब पूरा इतना विश्वास भी नहीं था कि ये UPPCL इतनी जल्दी सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट करा देगा और ज्वाइनिंग करा देगा। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट थे उनको मैंने कंटिन्यू नहीं कर पाया था। तो फिर भी जो भी हेल्प होगी चैनल के थ्रू मैं आपको हेल्प करता जाऊँगा। साथ ही साथ जो भी आपको प्रॉब्लम हो, जो भी आपको अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, वो आप हमसे कमेंट्स के थ्रू, कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आप हमसे पूछ भी सकते हो, ठीक है। और बाकी की जो भी चैनल का मोटिव है, जिस मोटिव से हमने इस चैनल को क्रिएट किया था, आपको एजुकेशन, लर्निंग, अवेयरनेस, जॉब से रिलेटेड अपडेट, जॉब से रिलेटेड प्रिपरेशन, और साथ ही साथ प्रिपरेशन के दौरान जो डिस्ट्रैक्शन हम लोगों के बीच में क्रिएट होता है, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, उसमें मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ये चैनल आपके लिए पूरा डेडिकेटेड रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।